वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज मैं मलाई पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी फेटी हुई मलाई लेंगे। ये नॉर्मल घर में दूध से निकलने वाली मलाई है, मैंने उसी का यूज़ किया है। अब इसमें हम चॉप टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज डालेंगे, एक हरी मिर्च बारीक कटे हुए डालेंगे। अब हम थोड़ा सा पनीर लेंगे, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे हम मलाई में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इस मिक्सचर को हम ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑर्डिनरी ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड पे इस मिक्सचर को चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद दूसरे ब्रेड से हम इसे कवर कर लेंगे और एक पैन में हम लो फ्लेम पर दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सो फाइनली हमारी यम्मी यम्मी मलाई पनीर सैंडविच रेडी है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में सच में बहुत टेस्टी होता है। और अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।